हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टेक मोटर्स एंड मैं हूं शुभेंदु। आप देख रहे हो मेरा सामने जो खड़ा है हॉर्नेट 2.0। एंड उसके पहले मैं एक बात बता दूं, इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार जो नवरात्रि एंड करवा चौथ वगैरह होता है और हमारा वेस्ट बंगाल में, एंड बंगाली का जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है हमारा दुर्गा पूजा जो कि खत्म हुआ। एंड ऑल बंगाली सुबह विजय, मेरे से जो बड़ा होता है उम्र में उसके लेकर मेरा को प्रणाम एंड छोटे को बुक भर भलोबासा। एंड जो बाइकर लवर है, बाइकर यूथ है, उसके लेकर मैं लेकर आया हूँ आज हॉर्नेट 2.0। एंड फेस्टिवल तो हमारा बंगाली का कभी खत्म ही नहीं होता, तो एक जाएगा, दूसरा आएगा लक्की पूजा एंड उसके बाद आएगा काली पूजा। सो ऑफर्स वगैरह भी शोरूम में अवेलेबल रहता है हर वक्त। एंड ये सारे ऑफर का अपडेट चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो और ना इधर उधर का बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट हॉर्नेट 2.0 इस बाइक के ऊपर। ये एक आपको स्पोर्टी फ्लैक्सिक सेगमेंट का बाइक मिलने वाला है एंड थोड़ा सा नेगेटिव सेगमेंट है ये। एंड अदर्स कॉम्पिटिटर जैसे कि MT हो गया एंड Apache वगैरह हो गया एंड अदर्स हीरो का भी एक्सट्रीम वगैरह हो गया, उससे ये बाइक कौन कौन मामले में आपको बेटर मिलने वाला है एंड कौन कौन प्रो एंड कॉन्स सारे का चीज पॉइंट के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए और ज्यादा ना वीडियो को लॉन्ग करके वीडियो को शुरुआत करते डायरेक्ट बाइक पर। सो फ्रंट से ही आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी वाइजर वगैरह आपको नहीं मिलने वाला, यहाँ पर हॉर्नेट एंड उसके नीचे यहाँ पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट इंस्टॉलेशन का प्लेस, ट्विन रिफ्लेक्टर टाइप का आपको इसमें LED सेटअप मिलने वाला है जो कि ये डिपर जल रहा है एंड उसके साथ साथ तो स्टार्ट नहीं करने से अपन नहीं चलेगा। एंड दोनों साइड में छोटा छोटा दो DRL जो कि लुक के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगता है एंड इसका लुक और भी इन्हेंस हो जाता है जब ये आपको हेडलाइट ऑफ होता है। सो ये बेसिकली तो इनबिल्ट चला ही रहेगा। सो उसके नीचे में आप देख सकते हो 31mm डाया का आपको गोल्डन कलर का अपसाइड डाउन टाइप का सस्पेंशन सिस्टम जो कि आपको दूर से इसका ये गोल्डन कलर होने की वजह से लाइट रिफ्लेक्शन एंड जो धूप में भी आप इसका या थोड़ा सा लो लाइट में भी इसका परफॉर्मेंस लुक के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। एंड ये अपसाइड डाउन सस्पेंशन है मतलब पॉट होल वगैरह एंड इंडियन रोड के हिसाब से बहुत मस्त मक्खन जैसा चलता है। उसके नीचे में आपको ट्विन मार्गट मिलने वाला है जो कि पीछे में आपको नॉर्मली ब्लैक टिप का एंड फ्रंट में आपको ये, हालांकि ये तो आपको मैट कलर में मिल रहा है, इसके साथ साथ इसका चार कलर अवेलेबल रहता है हर वक्त। तो आप नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर ABS सिंगल चैन के साथ ये बाइक आता है। सो ये आज के डेट में अदर्स कंप्यूटर ब्रांड से मैं एक आपको डिसएडवांटेज हो सकता है आपके लेकर, क्योंकि प्राइस के कंपैरिजन में देखा जाए तो ठीक ठाक है, लेकिन आज के डेट में अभी तो एक्सट्रीम का भी ड्यूल चैन ABS वगैरह आने लगा है एंड TVS तो पहले से Apache में ड्यूल चैन ABS दे रहा है। सो उसके लेकर कंपनी को थोड़ा देखना चाहिए। फ्रंट में आपको 276mm का डिस्क मिलने वाला है जो कि ट्विन पिस्टन कैलिपर के साथ एंड 17 इंच का अलॉय व्हील के साथ 110/70 का आपको नॉर्मली ट्यूबलेस टाइप का टायर मिलने वाला है। सो ये सब के तो ठीक ठाक है एंड इसका आप देख सकते हो जो अलॉय व्हील का लुक्स वगैरह भी आपको डिफरेंट मिलने वाला है। सो काफ़ी अच्छा है लुक, सस्पेंशन ये सब एंड अभी तो लेगगार्ड वगैरह इसमें इंस्टॉलेशन नहीं है, सो ये आपको अलग से इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। सो देन बात करते हैं इसका साइड प्रोफाइल, तो राइट साइड से आप देख सकते हो इसमें आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोर्टी फिन्स टाइप का लुक प्रोवाइड किया गया है जो कि काफ़ी मस्कुलर है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो टैंक के ऊपर हॉर्नेट का आपको स्टिकरिंग में ग्राफिक्स जो कि पूरा यहाँ से शुरू होता है पूरा फिन्स तक कवर करते हैं। यहाँ पर होंडा का आपको 3D में लोगो मिलने वाला है। सो कलर वाइज आपको लुक वाइज काफ़ी मस्त मिलने वाला है एंड ग्लॉसी एंड ब्लैक जो मैट होता है दोनों कलर का काफ़ी अच्छा से कॉम्बिनेशन जो कि दूर से इस बाइक का काफ़ी अच्छा लुक देता है। एंड मेरा फेवरेट कलर है यही है, इसीलिए मैं इस बाइक को चूज़ किया हूँ वीडियो बनाने के लेकर। एंड उसके ऊपर आपको जो टैंक इसका मिलने वाला है 12 लीटर का टैंक मिलने वाला है वो भी फाइबर बॉडी के साथ एंड उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड माइलेज इसका आपको 45 तक इजीली मिल जाएगा। सो यहाँ पर हॉर्नेट का लोगो एंड यहाँ पर फुल कैप, तो यहाँ पर देख सकते हो टैंक माउंटेड इसका की का ऑप्शन जो कि आपको कोई भी या हैंडल वगैरह में नहीं मिलने वाला। सो यहाँ पर एक छेद जिससे कि पानी वगैरह यहाँ पर होल्ड ना हो डायरेक्ट नीचे चला जाए एंड उसी के साथ साथ आपको इसका हैंडल बार दिखाई तो हैंडल राइजर लगा के हैंडल बार को थोड़ा ऊपर माउंट किया गया है जिससे कि इसका राइडिंग कंफर्टेबल प्लेस आपको प्रोवाइड कर सकता है। सो लेफ्ट साइड में आपको स्लीपर असिस्ट क्लच वगैरह जो आप इंजन में बात करेंगे तो बोलेंगे, तो स्लीपर असिस्ट क्लच एंड यहाँ पर पासिंग लाइट, यहाँ पर आपको अपर डिपर एंड उसके साथ साथ टर्न इंडिकेटर ऑन एंड उसी के साथ। सो राइट साइड में आपको यहाँ पर इंजन स्टॉप का बटन एंड उसके नीचे में आपको यहाँ पर हजार्ड वाला ऑप्शन, उसके नीचे आपको सेल्फ वगैरह मिल जाएगा, लेकिन स्विच का आपको क्वालिटी वही जो यूनिकॉर्न एंड SP160 वगैरह जो स्विच यूज़ किया गया वही से स्विच
वही ऑपरेटिंग स्विच इसमें भी यूज किया गया है। सो ये थोड़ा बेटर हो सकता था। सो यहाँ पर आपको सिंगल टाइप का हैंडल बार वगैरह प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको लुकिंग ग्लास वगैरह वही एस पी वाला ही आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि नो डाउट ठीक ठाक है। लुक भी नया है, लुक भी ज़्यादा पुराना नहीं। सो ये हो गया इसका ऊपर का हैंडल बार। एंड आपको फुल डिजिटल टाइप का डिस्प्ले कंपनी ने ऑफर करता है, वो भी नेगेटिव टाइप का डिस्प्ले, जो कि आपको यहाँ पर मैं फीचर्स दिखा देता हूँ। दोनों साइड में आपको टर्न इंडिकेटर एंड टर्न इंडिकेटर ऑल्सो आपको एलईडी में मिलने वाला है। ये देख सकते हो ऑल ओवर एलईडी लाइट है। कहीं पर भी आपको हैलोजन वगैरह मिलेगा नहीं। सो यहाँ पर आपको आरपीएम का इंटीग्रेशन, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, टीपोमीटर एंड दो बटन, जिससे कि आप सेट एंड जो यहाँ पर देख सकते हो ट्रिप ए ट्रिप बी सिलेक्ट एंड सेट, इन दोनों बटन से आपको इस डिस्प्ले को डॉगल कर सकते हो। यहाँ पर आपको बैटरी का वोल्टेज शो होता है एंड उसके नीचे यहाँ पर टाइमिंग, यहाँ पर फ्यूल का इंटीग्रेशन, यहाँ पर गियर पोजीशनिंग इंटीग्रेशन, जो कि डिस्प्ले जितना ज़रूरत है राइड के वक्त उतना ही इस बाइक में प्रोवाइड किया गया है। ज़्यादा कुछ इधर उधर का फीचर्स नहीं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कुछ भी इसमें प्रोवाइड आज के डेट में नहीं मिलने वाला। सो यहाँ पर आपको टोटल किलोमीटर तो यही है बेसिक सब फीचर्स, एंड उसके साथ साथ और ज़्यादा कुछ फीचर्स आपको इसका डिस्प्ले ऑफर नहीं करता। सो नीचे यहाँ पर साइड स्टैंड का इंटीग्रेशन एंड यहाँ पर आपको हाई बीम का इंटीग्रेशन, यहाँ पर आपको एबीएस का इंटीग्रेशन, न्यूट्रल का इंटीग्रेशन एंड चेक इंजन लाइट का इंटीग्रेशन। ये हो गया आपको इसका ऑपरेटिंग का जो डिस्प्ले, तो डिस्प्ले का यहाँ पर लुक वगैरह आप चेक कर सकते हो। काफ़ी नो डाउट काफ़ी अच्छा है, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा। सो ये डिस्प्ले में अपडेट आ जाए तो और भी मज़ा ही आ जाए। सो राइट साइड से पैनल आप देख सकते हो एंड सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है ये जो पैनल गैप्स है, आज की डेट में बाइक मतलब पूरा फाइबर वगैरह से ही ज़्यादा कवर रहता है। सो ये सारा पैनल गैप्स पजल्स जो है देख सकते हो, काफ़ी अच्छा से आपको ये सेट मिलने वाला है। काफ़ी प्रीमियम एक आपको फील करवाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई पर भी ऐसे ज़्यादा पैनल्स गैप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो पैर वैर इंजन के आगे एक थोड़ा सा मतलब पैर वैर ना लग के रंग मंग ना उठ जाए इसके लिए एक हार्ड प्लास्टिक टाइप का दिया गया है। तो ये उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक सॉफ्ट टच का फीलिंग आने वाला है। एंड नीचे यहाँ पर इंजन काउल इंजन गार्ड भी देख सकते हो, और उसी के साथ यहाँ पर भी आपको एक ग्राफिक्स दिया गया है। सो इंजन का बात करो तो 184.4 सीसी का एयर कूल फोर स्ट्रोक एसआई VS6 फेज 2 इसका इंजन है। एंड उसके साथ साथ 17.3 bhp का इसका आपको पावर मिलने वाला है, जो कि 8500 आरपीएम पर ही। एंड उसके साथ साथ टॉर्क आपको 15.9 न्यूटन मीटर का, जो कि 6000 आरपीएम पर। एंड काफ़ी एक एग्रेसिव इसको आपको पावर फील होने वाला है। सो एक्सेलरेशन आपको इसमें कहीं पर भी लैक्स वगैरह नहीं मिलने वाला है। एक्सेलरेट जब भी करो एक्सेलरेट करने से ही आपको इंजन जो थ्रॉटल देगा, इंजन जो बूस्ट करेगा वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मिलता है। एंड होंडा का इंजन नो डाउट काफ़ी स्मूथ होता है, काफ़ी अच्छा होता है। सो इन इंजन के मामले में मैं होंडा को सबसे पहला स्थान देने वाला हूँ अदर्स इसका कंपटीटर ब्रांड से। सो देन बात करते हैं यहाँ पर आपको राइडर वाला फुटरेस्ट देख सकते हो, आपको सीधा सीधा तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ स्विच है जिससे कि एरोडायनामिक राइडर लुक मिल सके। एंड उसी के साथ साथ आपको ब्रेकिंग वगैरह देख सकते हो एंड प्रीमियम फुटरेस्ट ऑल्सो एलुमिनियम में मिलने वाला है। सो इसका छोटा सा आपको एक मफलर पीछे में मिलने वाला है, जो कि एग्जॉस्ट सिस्टम के ऊपर एग्जॉस्ट गार्ड एंड मफलर देख सकते हो, काफ़ी छोटा सा है। एंड यहाँ पर नीचे में आपको कैथलेटिक कन्वर्टर, यहाँ पर बेंड पाइप आते हुए बस खत्म हो जाता है। सो इसी के लेकर लुक दूर से काफ़ी अच्छा लगता है। सो पहले से इसका जो वर्क है, पहले से हॉर्नेट का ये वाला आज का जो लेटेस्ट मॉडल है, इसमें काफ़ी सारा अपडेट, काफ़ी सारा स्मूथनेस, और कहीं पर भी आपको ऐसा अधूरा काम नहीं मिलने वाला है, पूरा नीट एंड क्लीन फिनिश। एंड पीछे में आपको ऑल्सो 17 इंच अलॉय व्हील के साथ 140x17 इंच का टायर मिलने वाला है। 140x70 शायद सेगमेंट में इतना चौड़ा टायर और कोई बाइक वगैरह देता है तो मेरे को मालूम नहीं, आप लोगों को मालूम होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। 140x70 एंड उसके साथ साथ 17 इंच का अलॉय व्हील, उसके साथ साथ 220mm का आपको इसमें डिस्क मिलने वाला है। नॉर्मली ये सिंगल स्टन कैलिपर पीछे का डिस्क है एंड इसमें एक ही कमी है, वही आपको ABS डुअल चैनल नहीं मिलता, नॉर्मली आपको सिंगल चैनल ABS थमा दिया है कंपनी, जो कि इसमें थोड़ा सा अपडेट किया जा सकता है। सो पीछे में आपको 6-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक टाइप का सस्पेंशन, उसके साथ साथ आप पीछे का स्विंग आर्म देख सकते हो। तो अब पीछे का लुक की बात करूँ तो आपको दोनों साइड में आपको स्प्लिट टाइप का ग्रैप रेल वगैरह एंड पीछे में जो एच शेप का जो पहले से आता है हॉर्नेट का सिंबल बोले तो वही बैक लाइट एंड उसके साथ साथ टर्न इंडिकेटर वो भी LED में। एंड नीचे में अपन नंबर 3 स्टेशन का प्लेस, और लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हो साड़ी कार्ड पूरा प्लास्टिक के साथ साथ मेटल का कवर के साथ पूरा चाका का लास्ट पोर्शन तक आया है गार्ड। एंड यहाँ पर आपको
पिलियन फुट रेस्ट एंड उसके साथ साथ यहाँ पर राइडर फुट रेस्ट एंड गियर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। उसके साथ साथ आपको स्लीपर असिस्ट क्लच मिलता है, सो वो एक अच्छा बात है। स्मूथनेस राइडिंग कंफर्टेबल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पर आपको सेंटर स्टैंड के साथ साथ साइड स्टैंड ऑब्वियसली दोनों ही अवेलेबल रखा गया है। उसके साथ साथ आपको साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर्स है, लेकिन अभी तो सारा गाड़ियों में वो एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। इसका किक किक इसमें भी नहीं मिलता, सो सेंटर स्टैंड मिलता है, ये एक बढ़िया अच्छा चीज़ है। सो राइट साइड जैसा ही आपको लेफ्ट साइड का भी लुक सेम टू सेम मिलने वाला है। वहीं पर यहाँ से 100 लिखा हुआ स्टार्ट होता है एंड आके यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। सो यहाँ पर आपको कोई भी मतलब जो फुट पैर का जो ग्रिप वगैरह नहीं मिलता है, जो ये आपको लगाना है तो अलग से लगाना पड़ेगा। लेकिन इसका जो राइडिंग कम्फर्टेबल है, राइडिंग पोर्शन है, उसके हिसाब से मेरे को लगता नहीं कि आपको ज़रूरत होगा। एंड आपको इस बाइक में 790 mm का सीट हाइट प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबली सीट हाइट है, काफ़ी छोटा भी नहीं और काफ़ी बड़ा भी नहीं। एंड उसके साथ साथ इस बाइक का कार वेट आपको 142 kg का मिलने वाला है। उसके साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस आपको 167 mm का मिलने वाला है, जो कि देख सकते हो इंडियन रोड के हिसाब से मोटा मोटी सही है। सो थोड़ा सा देख के केयरफुली बाइक को राइड करोगे, ऑफ रोड वगैरह ऐसे तो आप कर सकते हो, वरना कोई बम्पर वगैरह भी चढ़ा दोगे तो नीचे लकने का कोई डर वर नहीं रहता। सो ये हॉर्नेट जो 2.0 आज के डेट में आप परचेस करना चाहते हो ऑन रोड मेदनापुर, चाहे आप आर के होंडा जो रेड विंग्स में जा सकते हो एंड आर के होंडा आपको बिग विंग्स में भी जा सकते हो। सो ये शोरूम आपको मेदनापुर नॉर्थ साइड में पड़ने वाला है एंड इस बाइक का आपको एक शोरूम प्राइस पड़ने वाला है 1,39,450 rupees का। एंड उसके साथ साथ इसमें ऑन रोड प्राइस आपको पड़ने वाला है 1,69,200 rupees का। ये तो आपको बोल दिया मैं मेदनापुर का प्राइस, एक शोरूम एंड ऑन रोड दोनों ही। एंड उसके साथ साथ आपको होंडा बिग विंग्स में आओगे तो आपको होंडा का जो 350cc वगैरह बाइक है वो आपको सारा यहाँ पर लाइनअप देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ साथ आपको फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो उसके साथ साथ चल रहा है बहुत सारा ऑफर्स वगैरह। सो 10,000 rupees तक एंड उससे भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट अवेलेबल चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें। सो वीडियो पॉज करके आप पूरा देख सकते हो, नीचे फ़ोन नंबर वगैरह है। उसके साथ साथ मेरा डिस्क्रिप्शन में तो ऑल्सो फ़ोन नंबर प्रोवाइड रहेगा, उसके साथ साथ फुल एड्रेस। तो आपको होंडा का कोई भी प्रोडक्ट वगैरह परचेस करना है आप डेफिनेटली आ सकते हो मेदनापुर आर के होंडा एंड मेदनापुर बिग विंग्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट कोई बाइक के रिव्यू के ऊपर।